राजसमंद में कामली घाट पर बने हुए ओवरब्रिज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब पूरे राजसमंद जिले में बड़े से लेकर छोटे ठेकेदार तक अच्छी गुणवत्ता और अच्छे निर्माण की कक्षाएं प्रारंभ होनी चाहिए, इसका प्रशिक्षण प्रारंभ होना चाहिए। और उसका कारण ये कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको जेके सर्किल पर जो नया ब्रिज बना उसकी स्थिति बताई थी कि कैसे उसमें पूरे गड्ढों का एक परिवार रहता है। अब हालात कामलीघाट क्षेत्र से निकलकर आ रहे हैं, जहां पर गोमती से भीम के बीच में कामलीघाट में जो एक ओवरब्रिज बना है वो भी टूटना प्रारंभ हो चुका है। उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और गड्ढों के हालात ये हैं कि कभी भी किसी भी दुर्घटना की वहाँ पर खबर आ सकती है। और मज़े की बात यह है कि अभी ताज़ा बना है, अभी कुछ निर्माण तो उस क्षेत्र में चल रहा है, उसके बावजूद उस नए नवेले निर्माण में एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। अब या तो ये है कि निर्माण और गुणवत्ताओं का दौर बड़ा ही खराब चल रहा है, या फिर शायद ये कि उस ब्रिज को नजर ना लगे उसके लिए टोटका किया गया है कि एक गड्ढा रहेगा तो सब लोग ये नहीं कहेंगे कितना बढ़िया पुल बनाया, कितना बढ़िया ओवरब्रिज बनाया है, इससे कहीं नजर ना लग जाए तो जैसे ही गड्ढा आएगा तो वो कहेंगे अरे गड्ढा आ गया, सड़क जल्दी टूट गई, ऐसी कुछ बातें होगी। तो उस बातों के बहाने शायद इस ओवरब्रिज को कोई नजर ना लगे, ये कारण हो सकता है। अन्यथा इतने बड़े ब्रिज पर इस प्रकार के गड्ढे आना, मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये फिर सिर्फ ओवरब्रिज के गड्ढे नहीं हैं, ये व्यवस्थाओं के वो गड्ढे हैं जिनको भरने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। बड़ी बेखौफ तरीके से कम गुणवत्ता के निर्माण हो रहे हैं और उन निर्माणों के बाद हम कुछ समय की वाहवाहियाँ और कुछ समय की खुशियाँ तो देख पाते हैं कि देखिए बड़े बड़े ब्रिज बन गए, मगर बहुत जल्दी ये गड्ढे हमें एहसास दिलाते हैं कि ये व्यवस्थाएँ कभी भी आम आदमी के टैक्स के साथ समुचित न्याय नहीं कर पाएगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।